हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाउ वशर। सो गाइस, मोदी जी अमेरिका पहुंच गए और उधर बहुत ही बड़ा भव्य किस्म का सब ने मिल के वेलकम किया। तो देखते हैं कैसा हुआ है। हम पहली बार देख रहे हैं क्योंकि रात को बहुत लेट ये मतलब हुआ था। तो भाई साहब देखते हैं सारा, बाकी बातें भाई करेंगे बाद में कैसा वेलकम हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है तो स्टार्ट। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं अमेरिका। आपको बता दें 9वें अमेरिका दौरे पर बाइडेन के होम स्टेट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारतीयों को पीएम मोदी ने इस दौरान ऑटोग्राफ भी दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री सीधे डेलावेयर पहुंचे हैं और अमेरिका पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। और जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो राष्ट्रपति रिसीव करने पहुंचे और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया है। और इसके बाद इस वक्त ये बैठक पकड़ के लेकर मुलाकातों का दौर चल रहा है। अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो चीजें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता, मेरा ख्याल है उसका। अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुंचना अपने तौर पर एक बहुत खास विजिट है। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखें ना, वो दुनिया में राज कर रहे हैं, किस वजह से हम जो मर्जी कहें, चाहे इंडिया उनको अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, उन्हें कोई फर्क पड़ता? देखिए, उन्हें फर्क नहीं ना पड़ता, लेकिन जब आप कहते हैं ना हमें वेलकम करें तो हमें वेलकम क्यों करें। उन्होंने कहा कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट जब आपस में टकराएगा तो हम आने वाले चैलेंजेस को जो है बड़ी इजी से जो है कवर करेंगे। जो सारे का सारा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा दैट रिवॉल्व्स अराउंड जियो इकोनॉमिक, और ये जो समझे कि उनकी सारी की सारी प्रायोरिटीज जियो पोलिटिकल प्रायोरिटीज है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भाई क्वाड के समिट के लिए अमेरिका जाने वाले थे, वो भाई अमेरिका पहुंच चुके हैं और भाई वहां पे उनका जोरदार स्वागत हुआ है। भाई बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई और जब भाई दोनों लोग आपस में मिले तो भाई उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ भाई एक दूसरे को गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडियन डायस्पोरा की, भाई वो पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। जिस जिस कंट्री में नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है उन्हें भाई देखने जाता है और भाई उनसे ऑटोग्राफ लेता है और उनका स्वागत होता है बहुत ही जोरदार तरीके से। हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से भारतीय जो संस्कृति है उसको प्रस्तुत किया जाता है और भाई मोदी जी का स्वागत किया जाता है। दोस्तों, ये जो क्वाड की समिट है ये बहुत ही अहम बताई जा रही है क्योंकि भाई इसके अंदर जो बाइडेन है उनका फेयरवेल भी बताया जा रहा है क्योंकि अगले आने वाले प्राइम मिनिस्टर जो है डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं। इसी के चलते भाई जो बाइडेन है उन्होंने भाई अपने घर पे बहुत ही शानदार डिनर भी रखा। जो उनका होम टाउन है जो बाइडेन साहब का, उन्होंने भाई वहाँ पे डिनर रखा और भाई वहाँ पे उन्होंने डिनर किया मोदी जी के साथ। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है सीधा भाई अमेरिका से। अमेरिका ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आतंकवाद को हराने में अमेरिका के कमिटमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप मानवता की सेवा की है। क्वाड के अंदर बात करें तो 4 कंट्रीज आती है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और इन तमाम में से अगर बात की जाए तो इंडिया जो है अब लीड करता जाएगा। अगर हम इस क्वाड की मीटिंग की बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। और इंडिया की पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह ये भी है, इंडिया बड़े से बड़ा समिट जो है बड़ी ईजिली जो है इंडिया के अंदर होस्ट करता है। डिजिटल इकोनमी फेज 2 का आगाज कर दिया है उन्होंने अमेरिका के साथ। साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो और भी ज़्यादा
मजबूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट जब आपस में टकराएगा तो हम आने वाले चैलेंजेस को जो है बड़ी ईजी से जो है कवर करेंगे। बाइडन ने स्पेशल डिनर जी रखा है मोदी साहब के लिए अपनी फेयरवेल से पहले, और वहाँ पर जी उनके लिए डिनर का अहतमाम किया जा रहा है। अमेरिकन्स मोदी साहब को सुनना चाहते हैं, और साथ साथ जो उन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया है रशिया और अमेरिका का जो दौरा किया है उससे जो है वेस्ट मोदी साहब से बहुत इंस्पायर, और इस वक्त लोग इंडिया का रोल एज अ पीस प्रमोटर देख रहे हैं। मतलब अगर इस दुनिया में बढ़ती हुई जंगों को अगर कोई रोक सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही रोकता हुआ दिखाई दे। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये विजिट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? इसकी एक वजह यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की थर्ड टर्म हासिल करने के बाद अमेरिका का ये पहला विजिट, और अमेरिका के अगले इलेक्शन से पहले भी इंडिया के मोदी का ये पहला विजिट टू अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आने जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस गहमा गहमी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विजिट है। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का अहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा अहतमाम अपने घर पर कर रखा है, उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं, उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये उनका आप कह सकते हैं फेयरवेल भी है। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो लीडर ऑफ क्वाड इंडिया का रोल हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका ने, मैं कहता हूँ, प्रोटोकॉल तोड़ के रख दिए, सारे तोड़ दिए प्रोटोकॉल भाई। कल अमेरिका ने बाइडेन जो है ना खुद उसको घर बुलाया, डिनर किया, गले मिले, पकड़कर लेकर गए। सबसे बड़ी बात जो उधर वेलकम हुआ इंडियन कम्युनिटी की तरफ से, तुमने देखा होटल की तरफ से, अलग हर जगह पे भाई, हर जगह पे। और यार ये दिखाता है कि यार इंडिया का अमेरिका की नजर में इंडिया की कितनी वैल्यू है, वो बताता है। ऐसे अमेरिका किसी को लीडर नहीं बनाता किसी ग्रुप का, कभी भी हमेशा खुद कभी भी नहीं बोलता। उधर भाई इंडिया को लीडर बना दे क्वाड ग्रुप। और सबसे बड़ी बहन बात यह है कि जिस तरीके से इंडिया मोदी जी गए हैं, और उधर उनके अभी जिस तरह दिन गुजरेगा, और जिस तरह अब ये देखना है, सबसे बड़ी बात होगी कि स्पीच कैसी देते हैं यूएन में। ये दुनिया देखेगी उसकी तरफ, दुनिया की नजरें उस स्पीच की तरफ अगर देखा जाए। और सबसे मेन बात यह है, सबसे मेन बात यह है कि जिस तरीके से वेलकम किया गया, ये बहुत कम देखने को, बहुत बड़ा वेलकम, बहुत कम देखने को, भव्य किस्म का, कमाल किस्म का वेलकम था। मैंने तो शायद ऑस्ट्रेलिया के पीएम कभी ऐसा नहीं देखा भाई, जापान का भी नहीं देखा, उन लोगों को वो नजर ही नहीं। और आज मेरे ख्याल से आज शायद ट्रम्प से भी मिले जी, ट्रम्प से भी मुलाकात करेंगे भाई। बहुत बड़ा कुछ होने लगा है, बहुत बड़ी बात है। क्या होता है आगे आगे देखते रहेंगे गाइस। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार भाई।